श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए अनमोल वचन, इन वचनों को सुने और अपने जीवन में इनका पालन करें ताकि आपकी आत्मा पवित्र हो, आपके मन की शुद्धि हो, जिससे आपके कर्म भी अच्छे होंगे। पहला वचन, नरक के 3 द्वार हैं, इनसे बचें। पहला वासना, दूसरा क्रोध, तीसरा लालच। दूसरा वचन, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। चौथा वचन, ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे वो इस काल में हो या आने वाले काल में। पांचवा वचन, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। छठा वचन, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सातवां वचन, अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। आठवां वचन, वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नौवां वचन, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। दसवां वचन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। ग्यारहवां वचन, एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति का दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। बारहवां वचन, आत्मज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, अनुशासित बनो, उठो। तेरहवां वचन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। चौदहवां वचन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। पंद्रहवां वचन, लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। सोलहवां वचन, हम जो देखते हैं वो हम हैं, और हम जो हैं हम उसी व्यक्ति को निहारते हैं, इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखें और सोचें। सत्रहवां वचन, केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अठारहवां वचन, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई लाभ नहीं। उन्नीसवां वचन, हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतारित होता हूँ। बीसवां वचन, श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है
दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है, जन समुदाय उसी का अनुसरण करता है। 21वां वचन, दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती, तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। 22वां वचन, जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। 23वां वचन, हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। 24वां वचन, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक ना करो। 25वां वचन, भगवान या परमात्मा की शांति उसके साथ होती है। जिसके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने खुद की आत्मा को सही मायने में जानता हो। 26वां वचन, सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। 27वां वचन, किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। 28वां वचन, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। 19वां वचन, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। 30वां वचन, प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। 31वां वचन, सन्निहित आत्मा का अस्तित्व अविनाशी और अनंत है, केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है, इसलिए हे अर्जुन लड़ते रहो। 32वां वचन, हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। 33वां वचन, भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। 34वां वचन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना कहीं और। 35वां वचन, आपके स्वर्लौकिक रूप का मुझे ना प्रारंभ ना मध्य ना अंत दिखाई दे रहा है। 36वां वचन, सभी कार्य ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए। 37वां वचन, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। 38वां वचन, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। 39वां वचन, कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। 40वां वचन, हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं। 41वां वचन,
मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी काम कर रही है। 42वां वचन, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। 43वां वचन, कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। 44वां वचन, इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। 45वां वचन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। 46वां वचन, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। 47वां वचन, यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। 48वां वचन, जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। 49वां वचन, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। 50वां वचन, मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। 51वां वचन, जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना करते हैं, वे देवताओं का पूजन करें।